गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लम्हे। सुबह हो चुकी है, बज रहे हैं 8 और मैं उठ चुकी हूँ। बच्चे भी जो है उठ चुके हैं क्योंकि इनके एग्जाम है, उनको अपनी तैयारी भी करनी है। तो आज का जो व्लॉग है वो मेरा 2 दिन पहले का व्लॉग है क्योंकि थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरे व्लॉग्स हैं वो डेली आए और मतलब 1 दिन पहले के आए, जो भी है जो भी होगा। जैसे कि आज मैं स्टार्ट करूंगी तो आज का जो व्लॉग है मेरा आएगा कल, और जो मेरा 2 दिन का है वो आज मैं अपलोड कर दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए दिन की अपने नए व्लॉग के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ इस लम्हे में। तो यहाँ बन रही है सुबह की चाय और अब पहले मैं पीऊँगी चाय। चाय पीने के बाद आएगी एनर्जी और एनर्जी आएगी तो फिर होंगे सारे काम। तो चलिए पहले पी लेती हूँ मैं यहाँ पे चाय। और सुबह की चाय जो होती है ना एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है, और सुबह जब तक चाय नहीं मिलती ना तो एनर्जी आती नहीं काम करने की। तो यहाँ पे देखिए चाय मेरी बन चुकी है और यहाँ पे जो है बच्चों का नाश्ता भी मैंने बना दिया है। तो आज मैं उन्हें मैगी दे रही हूँ और साथ में दी है यहाँ पे लस्सी। सारे काम हो गए हैं, साफ सफाई हो गई है, सबका नाश्ता हो गया है, बस मेरा रह गया है। और अभी जो है मैं भिंडी धोकर आई हूँ तो सूख जाएगी। लंच में आज बनाने वाली हूँ भिंडी, तो आज मैं सिर्फ जो है ये खाऊंगी खाने, क्योंकि ना मन नहीं कर रहा कुछ नाश्ता ऐसा करने का ना, या उसके बाद जो है कुछ लिक्विड पी लूँगी। वैसे बच्चों को तो मैं दे चुकी हूँ, मैंने नहीं पिया है, तो बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं अभी, मैं बड़ा आराम कर रहे हैं। घर में कुछ शांति छाई हुई है, अकेली हूँ, खाने खा रही हूँ, भूख लग गया। नाश्ता करने का मन नहीं है बहुत ज़्यादा, ये ठीक है। और जब तक लंच बनेगा तो उससे मेरा काम चल जाएगा। प्यास बहुत लग रही है, पानी की बोतल लेके बैठी हूँ। तो चलिए देख के आती हूँ भिंडी सूखी कि नहीं सूखी मेरी, उसे भी काटना है। मम्मी को ना कल जाना है कहीं, तो उसके लिए भी जो है अभी कपड़े निकालने हैं मुझे। तो कपड़े आज मशीन भी लगानी है, शाम को लगाऊंगी सोच रही हूँ। आज तो सारे काम है अभी पेंडिंग। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। और ये देखिए बेटी यहाँ पे स्टडी कर रही है और बेटा जो है अंदर अपने रूम में स्टडी कर रहा है। दोनों के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो बस उसी में लगे हैं बच्चे। और यहाँ पे देखिए भिंडी भी जो है मेरी सूख चुकी है, तो चलिए इसे काट लेते हैं। और यहाँ देखिए ये भिंडी भी जो है मैंने कट कर ली है और सारी तैयारी मेरी लंच की हो गई है। प्याज भी जो है मैंने यहाँ पे काट दिया है, तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो अब चलिए भिंडी बना लेते हैं। आज भिंडी जो है मैंने गोल नहीं काटी है, लंबी लंबी काटी है, ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चलिए मेरी भिंडी जो है बनने के लिए तैयार हो रही है। तो बस तेल गर्म हो गया, प्याज में डाल दिया है और हल्का ब्राउन हो जाएगा तब उसके बाद जो है मैं इसमें भिंडी डालूंगी और इसे ऐसे ही बनने दूंगी। और प्याज देखिए कितनी लग रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल और बिना पानी के तो यहाँ पर मेरे से खड़ा ही नहीं हो जाता। किचन में काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, और जो भी औरतें काम करती हैं ना उनको पता होगा कि कितना मुश्किल काम है खाना बनाना, और गर्मियों में खासकर। सर्दियों में चाहे जितना मर्ज़ी हम लोग खाना बना लें, जितनी मर्ज़ी खड़े रहें, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा लगता है। और क्योंकि सर्दी से बचते हैं वहाँ पे चूल्हे के आगे या गैस के आगे, जो भी आप कह लें, तो वहाँ पे थोड़ी गर्माइश रहती है। और अब अभी तो ऐसा है कि मन ही नहीं कर रहा, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस फटाफट ये सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी काम करूँ। और जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है ना गलतियाँ भी होती रहती हैं, तो वो क्या गलती हुई है वो आगे मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए इसको फ्राई होने देते हैं भिंडी को। चार भिंडी साबुत रहती, ये तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना सारे काम मारते रहते हैं। तो एक आध भिंडी तो मेरी हमेशा मिल ही जाती है मेरे को उस टाइप से। तो देखिए जल्दी जल्दी के चक्कर में साबुत भिंडी भी जो है उसमें रह गई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी काटा है तो दिखी नहीं, नज़र नहीं आई मेरे को। तो चार भिंडी मैंने आपको दिखाई है कि चार भिंडी मेरी साबुत निकली, तो उन्हें भी जो है मैंने यहाँ पे स्लाइस करके डाल दिया है उसमें वापस, और ये अच्छे से बन जाएंगी, फ्राई हो जाएगी। तब उसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी मसाले। साफ सफाई सारी कर ली और भिंडी आज जो है मैं लंबी काट के बना ली, क्योंकि हमेशा जो मैं गोल बनाती हूँ और हमारे में ना सबको गोल पसंद आती है। नहीं मैं तो, मुझे तो लंबी पसंद आती है, जैसे लंबी स्लिट करके ना ऐसे
सही से बहुत अच्छी लगती है काट के भी तो। और वैसे भी ना मुझे देर हो रही थी आज, क्योंकि भिंडी मैंने धो के रखी थी और वो ठीक से सूख नहीं पा रही थी, काफ़ी सारी भिंडी है तो बस उसी के चक्कर में जब देखो चार भिंडी भी सब उसमें पड़ गई। जल्दी जल्दी में ये होता है, तो सारे काम हो चुके हैं, सभी सब्जी बन जाएगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने और उसके बाद जो है रोटी भी बनानी है अभी। तो हस्बैंड जो है आज थोड़ी सी आज उनकी तबीयत ढीली लग रही है, क्या है पता नहीं, वो आराम कर रहे हैं तो, वरना वो जो एक बजे ही शोरूम जाना शुरू कर देते हैं लंच का। तो अभी तो बज रहा है शायद एक ही बज रहा है, आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1:20 हो गया आज तो, काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ सब्ज़ी, लंच करने के बाद मिलूँगी मैं आपसे। और यहाँ देखिए भिंडी जो है मेरी अच्छे से फ्राई हो गई है और हल्की हल्की जो है ब्राउन हो गई है, और मुझे इसे ना और करारा करना है, लेकिन अभी ना टाइम नहीं है तो, वरना इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं इसे बनाती हूँ खोल के, फिर खोल के बनाओ ना तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं आता है तो फिर ये गीली भी नहीं होती है तो अच्छी करारी हो जाती है। तो अब इसमें जो है मैंने आमी भी डाल दी है, कच्ची आम, इसके अगर कच्चा आम नहीं होता तो मैं इसमें खटाई भी डाल देती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बनती है ये। अभी कुछ भी डालो, उसमें नमक भी डालना है, डाल रही हूँ ना, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करते हैं, हल्के से ब्राउन करते हैं, उसके बाद फिर मसाले डालते हैं। सीखो, मैंने भी कोई ऐसे सीखा नहीं, सिर्फ ऐसे ही देख देख के सीखा है। बड़ा मजा आया क्या, मैंने आपके में डाल दिया, मैं ये इसलिए शूटिंग। अरे ढक्कन तो लगा दो। और जैसे मैं बना रही हूँ ना, कहाँ गई, जैसे मैं बना रही हूँ, तू किचन में खड़ी है, कुछ काम कर रही है तो सिर्फ तू हल्के उससे देख रही है, नीचे नीचे जैसे कहते हैं ना इसे, नीचे नीचे देखना। जीरा पाउडर खत्म हो गया, जीरा पाउडर है, ये भी चीजें सीखने की होती है, दालें कौन सी होती हैं, ये नहीं कि पीली दाल बना ली, लाल बना ली, काली बना ली, ऐसे नहीं होता। दालों के नाम होते हैं, दालों के नाम सीखो, मसालों की स्मेल सीखो, कौन सा मसाला कैसा होता है दिखने में, कौन सी चीज ऐसी तो आती है, सारी चीजें हमको प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे, मैं प्रैक्टिकल तो नहीं करा रही हूँ, कुछ भी किया आजा आरुषि आजा काम कर ले, ऐसी सीखी जाती है चीजें, हमने भी ऐसी सीखी, हमारी माँ ने कौन सी हमको प्रैक्टिकल करवाई है। सीखो, सीखने में अलग ही मजा है। फिर ये फ्रिज में रखे, मैं खाने के साथ ही खाऊंगी, ज्यादा मिस तो नहीं कर देता हूँ, ऐसा लग रहा है मैं आपको कोई दे रही हूँ, तूने मुझे धोखा दे दिया, और इतनी मिर्च क्यों पीती है, अच्छी लगती है स्पाइसी, ये इसको स्पाइस नहीं कहते मिर्च को, स्पाइस होता है मसालों का बैलेंस, ये नहीं खाली मिर्च का। तो सारी में आई है, खाली दाल में आई है, ऐसा नहीं होता। बॉटल में भरे रख दे बेटा, कहते ठंडी हो जाएगी ना, तुझे पता है मेरे को चाहिए होता किचन में। हाँ तो अभी बड़ी वाली ले आऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन पहले ये करा था, स्पाइसी भिंडी सब्जी, पापा ने बहुत सारी ले आए, मतलब बहुत सारी, मतलब कि उनको ध्यान नहीं था कि आप सैटरडे का प्रोग्राम बन जाएगा जाने का, वही जागरण में जाना है, पता नहीं एक फिर वो पेट भारी हो रहा है, भारी को क्या खा लिया ऐसा, दो ग्लास एक पिए थे, तुम लोग आजकल नहीं यही कर रहे हो, एक एक रोटी खा रहे हो, फिर बनाने का मन भी नहीं करता, फिर ऐसे तभी तो सारी सब्जियां बच जाती है। और
है, भिंडी की सब्जी तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट और बहुत अच्छी बनेगी, करारी बनेगी। इसे खोल के बनाऊंगी अभी मैं, क्योंकि अब मैं इसको ढकूंगी तो इसमें स्टीम बने के ढकने से क्या तो स्टीम बनती है फिर कुछ सॉफ्ट हो जाती है, तो मुझे सॉफ्ट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी करारी चाहिए, बल्कि मेरे को उसको और थोड़ा सा मसाला डालने से पहले थोड़ा सा और जो है फ्राई करना था ताकि वो और करारी हो जाती, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि लंच का टाइम निकलता जा रहा है, तो मैं सोचती हूँ फटाफट इसको ये बन जाए। तो फिर देती हूँ बच्चों का खाना, आटा मैं बुन चुकी हूँ और आपने सुन ही लिया होगा आयुष पे होती चाहिए, आयुष ने मना कर दिया तो छाछ में अपना छाछ ले गई है। और चलिए लंच के बाद मिलूंगी मैं आपसे। और अब हो चुका है डिनर का टाइम और यहाँ पे जो है मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और शाम को जो है मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था मेरा आज का जो भी रूटीन था, तो बस उसमें जो है काफ़ी टाइम लग गया। और यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ आज चिली चिकन। आयुष तो घर पर है नहीं क्योंकि उसको जाना था अपने फ्रेंड के किसी फ्रेंड के बर्थडे में, तो वो तो घर में नहीं है, लेकिन हम तीनों हैं तो खाना खाने का मन तो किसी का है नहीं ज़्यादा, तो रोटी का तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि रोटी बना के खाई जाए, तो बस ये जो बनाऊंगी मैं चिली चिकन, इसी से जो है हमारा पेट भर जाएगा, काफ़ी अच्छा बनता है ये भी, तो यहाँ पे बस उसी की मैं जो है मैंने तैयारी कर ली है। तो शाम को कपड़े धोने से पहले जो है इसे चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था और अब जो है मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। सब्ज़ियाँ भी जो है यहाँ पर मेरी कट हो गई हैं। तो शाम को जो चिली चिकन मैंने बनाया है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि एक दिन में एक ही रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी यही सोचती हूँ, लेकिन हमेशा जो है वो दो हो जाती हैं, तो एक तरीके से यहाँ पे शेयर ही हो रही है। लेकिन तो बस यहाँ पे जो है चिकन मेरा फ्राई हो चुका है, सब्ज़ियाँ जो है मैंने यहाँ पर डाल दी हैं दूसरी कढ़ाई में, इसमें शिमला मिर्च और प्याज जो है मैंने क्यूब्स में काट ली है और इसे जो है हल्का सा सॉफ्ट कर लूँगी। और बाकी देखिए सामान सारा यहाँ पर मैंने रख लिया है, जिसमें मेरी जो सॉस है रेड वाली रेड चिली सॉस वो ख़त्म हो रही है, तो जितनी भी है वही डाल दूँगी। इसके अलावा यहाँ पे डार्क सोया सॉस है और कॉर्नफ्लावर है, केचप है और विनेगर है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने रख ली हैं, क्योंकि इसमें जो है ना तेज़ आंच पे बनाना पड़ता है और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डालनी होती है, वरना जो है सब चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं। तो बस मेरा चिकन फ्राई हो गया है और सब्ज़ी मेरी सॉफ्ट होते ही जो है इसमें मैं चिकन डाल दूँगी और उसके अलावा जो है इसमें दो तीन मसाले डालूँगी और नमक डालूँगी और लाल मिर्च डालूँगी और टेस्ट के हिसाब से डालूंगी, क्योंकि डार्क सोया सॉस में भी जो है नमक होता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सारे मसाले इसमें डाल के और अच्छे से इसने फ्राई कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए सब्जियाँ भी अच्छी से मेरी सॉफ्ट हो गई हैं, चिकन भी जो है मैंने इसमें डाल दिया है और जो मैंने कॉर्नफ्लावर जो है मैंने एक कटोरी में पानी के साथ उसे घोल बनाया था, बस इसमें वो डालेंगे, उसके डालते ही जो है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और बन जाएगा हमारा चिली चिकन। Thank you.